बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विपक्षियों पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में पिछड़ों की अनदेखी की थी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में पिछड़ों की अनदेखी की थी, अब बीजेपी भी कांग्रेस के पदचिन्हों पर ही चल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सपा सरकार में भी अति पिछड़ों को हक नहीं मिला था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आगे ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के चलते पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया, साथ ही एससी एसटी आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया और अब बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस के पदचिन्हों पर ही चल रही है, अति चिंतनीय है। दूसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा सरकार ने भी खासकर अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं दिया। एससी एसटी को पदोन्नति आरक्षण खत्म कर दिया, इससे संबंधी बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया था, इसे पास भी नहीं होने दिया था, इन सभी वर्गों के लोग सावधान रहे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मायावती ने आगे कहा कि जबकि बीएसपी सरकार में एससी एसटी साथ अति पिछड़ों व पिछड़ों को भी आरक्षण का पूरा हक दिया गया था, अतः अब आरक्षण पर बड़ी बड़ी बातें करने से सपा व अन्य पार्टियों को भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, ये सभी वर्ग इन दोगले चेहरों से भी सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, भीमराज दस्तक।